नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्विज बकर्स पे। दोस्तों मैं शुभम आज आपके साथ शेयर करूंगा 2 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली एग्ज़ाम्स रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी और अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर अन्य करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर से डाउनलोड कीजिए ताकि बाद में भी इस वीडियो का आप एनालिसिस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से किसे विजडन ने दशक की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह के साथ साथ भारत के कप्तान विराट कोहली, इन दोनों भारतीयों को शामिल किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर के कप्तान एरोन फिंच को टीम का कप्तान बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि हाल ही में घोषित अर्थ शॉट पुरस्कार से संबंधित है, किससे संबंधित आपसे पूछा है। दोस्तों याद रखिएगा ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने पृथ्वी की मरम्मत के लिए एक दशक की कार्रवाई का वादा करते हुए जलवायु मुद्दों से निपटने के लिए एक वैश्विक पुरस्कार की घोषणा की है और यह 5 विजेताओं को हर साल 2021 से 2030 के बीच अर्थ शॉट पुरस्कार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार में कितनी राशि होती है ये आपसे पूछा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जागरण के प्रधान संपादक हैं संजय गुप्ता को, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यह आप याद रखिएगा। और यह अवार्ड उन्हें 4 जनवरी 2020 को पुणे में लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र केसरी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और उसमें एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया जाएगा, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस ऑनलाइन स्टोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यह आपसे पूछा है। दोस्तों इसका आंसर आप याद रखिएगा है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा 7 जनवरी, याद रखिएगा 7 जनवरी 2020 को अमेजोन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोधकर्ताओं ने इनमें से किस संस्थान के से ऐसी सामग्री विकसित की है जो पानी से ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। दोस्तों उसका नाम है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ऐसी सामग्री विकसित की है जो छोटे स्तर पर पानी से ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये कि इनमें से किस राज्य में एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है, ये आपसे पूछा है, तो वो की है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हेल्पलाइन है दामिनी शुरू की है महिलाओं के लिए स्पेशल, तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है और इसकी हेल्पलाइन के लिए अद्वितीय संख्या जो है वो आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 81142 और 5×7। ठीक है,
इनको सब्सक्राइब किया गया है, जो निर्भया योजना का विस्तार है। यह सेवा हर दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कार्यात्मक होगी। इसे विशेष रूप से महिला अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया जाएगा? दोस्तों वो है प्रगति मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार की नामकरण समिति ने प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया है। मकरबा चौक का नाम बदलकर कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा जाएगा और महरौली बदरपुर रोड का नाम आचार्य श्री महाप्रज्ञ नाम मार्ग पर रखा जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली में यह घोषणा की है, ठीक है। तो तीन नाम बदले जाएंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बदल कर रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नाम बदल के रखा जाएगा, प्रगति मैदान का नाम बदल कर रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है, और मकरबा चौक का भी नाम बदल कर कारगिल युद्ध के जो शहीद हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा जाएगा, और महरौली बदरपुर रोड का नाम आचार्य श्री महाप्रज्ञ मार्ग रखा जाएगा। ये तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने एसी क्लास के लिए किराया कितना बढ़ा दिया है? दोस्तों किराया बढ़ा दिया है 4 पैसे पर किलोमीटर। रेलवे ने 1 जनवरी 2020 से प्रभावी यात्री किराया में वृद्धि की घोषणा की है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी जो प्रति किलोमीटर 4 पैसे की बढ़ोतरी होगी यात्रा में, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीफन मरांडी ने 31 दिसंबर 2019 को 5वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है? दोस्तों वो ली है झारखंड विधानसभा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि SS देसवाल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, याद रखिएगा CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, किसको? SS देसवाल को, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास, पहले और दूसरे क्वार्टर के लिए स्वच्छ संरक्षण लीग 2020 के परिणामों में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? दोस्तों वो है इंदौर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 31 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में पहली और दूसरी तिमाही के लिए स्वच्छ संरक्षण लीग 2020 के परिणामों की घोषणा की है। 10 लाख से अधिक संख्या की श्रेणी में इंदौर ने दोनों तिमाही में पहला स्थान हासिल किया है और लगातार 4थी बार फर्स्ट नंबर पर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी को यानी कि भोपाल को दूसरा स्थान दिया गया है। गुजरात के सूरत को पहली तिमाही में तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट इंदौर, सेकंड भोपाल और थर्ड है सूरत, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।